बदतमीजी, ये किस मुआशरे से हमने लिए? हमारा तो रब ये भी कि हफ्ते के दिन की ताजीम हो और ऊंट का गोश्त एक बंदा तर्क करे यहूदियत की रस्म समझ के, इस्लाम से टकराता नहीं है, फिर भी जो है वो इस्लाम इसको गवारा नहीं करता। और क्या बहुओं बेटियों का तमाशा लगाया और नीम बहना बेटियां लोगों की शहवानी निगाहों के सामने हैं, और बाप भी खड़ा है और बेटा भी खड़ा है, न बाप की आंखों में हया है न बेटे की नजरों में हया है न भाइयों में गैरत है, और कहते हो अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर नाजल हो, ये तो शुक्र करो पत्थर नहीं बरसते मोहम्मद अरबी के कदमों का सदका। अगर उनकी रहमत ना हो दरमियां में अभी आग लग जाए दोनों जहां, ये तो उनकी रहमत है कि पत्थर नहीं बरसते। पिछली कौमों ने एक एक जुर्म किया, किसी के ऊपर पत्थर बरसे, किसी के ऊपर खून बरसा, किसी को पर ऐसा जलजला आया कि नीचे वाली जगह ऊपर और ऊपर वाली बस्तियां नीचे, लेकिन इस उम्मत पर ऐसा नहीं होगा। अल्लाह कहता महबूब तेरी वजह से नहीं होगा, वरना हुजूर ने फरमाया कि ये उम्मत पिछली उम्मतों के कदमों पर कदम रखेगी। यहां तक हुजूर ने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने अपनी मां के साथ भी ज्यादती की है तो ये वो भी करे। और देख रहे हैं क्या कुछ नहीं हो रहा, कब्रों से मुर्दे उखाड़ करके उनकी बेहुर्मती नहीं की जा रही, कभी ऐसा भी हुआ था? क्या कुछ नहीं हो रहा? तुम कहते हो कि हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें नहीं उतरती, मैं कहता हूं शुक्र करो पत्थर नाजल नहीं होते। और ये सदका है महबूब की काली कमली का, और अल्लाह ने फरमाया मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, महबूब तेरी वजह से मैं अजाब नहीं उतारा वरना पीस के रखता। तो हम अपने आप को देखें, अपने किरदार को देखें, अपने हवाल को देखें।